आज हम बनाने वाले हैं पोर्क रैप, जिसके लिए हमने यहाँ पे टमाटो केचप लिया है 2 स्पून। उसमें हम ऐड करेंगे होजिन सॉस 2 स्पून एंड उसमें ऐड करेंगे होजिन सॉस ऐड करने के बाद शुगर 2 स्पून। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे डार्क सोया सॉस, उसके बाद ऐड करेंगे हनी, उसके बाद उसमें हम ऐड करेंगे पोटैटो स्टार्च। सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो इसके लिए हमने पोर्क रैप के लिए हमने बॉइल्ड पोर्क लिया है, जिसका रेसिपी हमारे चैनल में यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। बॉइल्ड पोर्क कैसे होता है, बॉइल्ड होता है जो पोर्क, बोनलेस पोर्क को कैसे बॉइल्ड करते हैं, जो ये हमारा बोनलेस पोर्क है इसे अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो हमने टोर्टिला रैप सेक लिया है, उस पर राइस लगा दिया है और पोर्क रैप में हम ऊपर से पाइनएप्पल डालेंगे। तो उसके लिए पहले हम उसे रोस्ट करके रख लेंगे, इस तरीके से पाइनएप्पल को रोस्ट कर देना है। फिर हम वॉक लेंगे, वॉक में ऑयल ऐड करेंगे, उसमें हम डालेंगे चॉप गार्लिक सैलरी और उसे अच्छे से सौते करेंगे। सौते करने के बाद जो हमारा सॉस है, उस सॉस को हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने पहले से बॉयल मिक्स करके रखा है। इसे अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है। इसमें हमने ऑलरेडी पोटैटो स्टार्च डाल दिया है सॉस मिक्स करते समय, ताकि ये अच्छे से थिकनेस हो जाएगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे चॉप किया हुआ पोर्क, इसे अच्छे से इस तरीके से हम पकाना है रैप के लिए पोर्क को। पोर्क तो ऑलरेडी पका हुआ है, बस इसे सॉस में अच्छे से मिक्स करना है, कुक करना है, ताकि इसके अंदर अच्छे से सॉस चले जाए। वो अपने रैप में लगाए हुए राइस के ऊपर इसे हम अच्छे से डालेंगे। उसके बाद हमने जो पहले पाइनएप्पल रोस्ट किया था उसे डालेंगे। उसके ऊपर हम आइसबर्ग लगाएंगे, आप इसमें लेट्यूज का भी यूज कर सकते हो। हम यहाँ पे आइसबर्ग डाल रहे हैं और इसे अच्छे से फोल्ड करेंगे। पहले फर्स्ट फोल्ड जो हमारा होगा टोर्टिला रैप के साथ, जो हमने इसके ऊपर रखा है, उसके बाद हम अपने सिल्वर फॉइल को इसके ऊपर से फिर फोल्ड करेंगे। इस तरीके से फोल्ड करना है अच्छे से। फोल्ड करते समय ध्यान रखना है कि खुले ना, अच्छे से टाइट फोल्ड हो। और आपको ये हमारा रेसिपी अच्छा लगा हो, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें वीडियो पे, और इसी तरीके का रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देख सकते हो ये हमारा बनके रेडी हो चुका है। इसमें हम ऐड करते हैं चिप्स, जो कि स्प्रिंग रोल चिप्स को डीप फ्राई करके बनाते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।